गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का यूथ रिच ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लेसन 2 विज्ञान पार्ट 3 के बारे में और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई अन्य प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं। इन सभी का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक सूक्ष्म एक जीवधारी द्वारा प्राप्त तैयार किए जाए और दूसरे जीवधारी के लिए घातक हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन आदि। सन 1992 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए तथा कोर्स पूरा करना चाहिए। अगला है वैक्सीन। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब हमारे शरीर में कोई रोग सूक्ष्म जीव रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी सदा के लिए हमारे शरीर में बने रहते हैं। टीका वैक्सीन का कार्य करता है क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। सर एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इससे इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक कहते हैं।